हेलो स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 40 डूइंग थिंग्स 3। डूइंग थिंग्स 3 रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं और नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, इनमें से वैसे ही करना है जैसे हमने डूइंग थिंग्स 1 और 2 में किया था। पिक्चर देखेंगे और उस पिक्चर के अकॉर्डिंग इसमें से जो सेंटेंस होगा वो हम सिलेक्ट करके इधर लिखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बॉक्स में से सेंटेंस पढ़ लेती हूँ। द फुटबॉल प्लेयर इज किकिंग द बॉल। द चाइल्ड इज किसिंग इट्स मदर। द टू बॉयज आर शेकिंग हैंड्स। द गार्डनर इज वॉटरिंग द प्लांट्स। द गर्ल इज ओपनिंग द डोर। सी इज क्लोजिंग द विंडो। नाउ पुट द राइट सेंटेंस अगेंस्ट ईच पिक्चर। अब नीचे जो पिक्चर दिए गए हैं उनके सामने हमको सही सेंटेंस बॉक्स में से चुनकर लिखना है। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। हमारे लिए पहला एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है, एक गार्डनर है। देखो ये एक गार्डन का सीन है जिसमें ये एक गार्डनर है। गार्डनर किसको बोलते हैं, बाग का जो माली होता है उसको कहा जाता है गार्डनर। वो क्या कर रहा है, पेड़ पौधों को पानी दे रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें से हम ढूंढकर लिखेंगे बॉक्स में से ढूंढकर। तो ये है इसके रिलेटेड, उसमें लिखा है द गार्डनर इज वॉटरिंग द प्लांट्स। तो यही वाला हम इधर लिखेंगे, द गार्डनर इज वॉटरिंग द प्लांट्स। अब उसके बाद सेकंड है, क्या कर रही है, कौन है इधर सेकंड पिक्चर में, एक गर्ल है और वो क्या कर रही है, विंडो क्लोज कर रही है। उसके रिलेटेड कौन सा है इधर, ये रहा। तो पिक्चर देख के हम लिखेंगे, गर्ल है ना, तो लिखेंगे सी, सी इज क्लोजिंग द विंडो। तो हम इधर क्या लिखेंगे, सी इज क्लोजिंग द विंडो। पहला लेटर कैपिटल करेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड पिक्चर है, एक फुटबॉल है और एक प्लेयर है। अब फुटबॉल खेलने वाला फुटबॉल प्लेयर, ठीक है। द फुटबॉल प्लेयर इज किकिंग द बॉल। किक करना मतलब वो अपने पैर से फुटबॉल को किक कर रहा है। तो ये वाला सेंटेंस हम इधर लिखेंगे, पहला लेटर कैपिटल करेंगे, द फुटबॉल प्लेयर इज किकिंग द बॉल, लास्ट में फुल स्टॉप। फिर उसके बाद फोर्थ वाला है, द किसका सीन है ये, एक मदर और एक चाइल्ड। चाइल्ड क्या कर रहा है, अपनी मम्मी को किस कर रहा है। तो इधर हम लिखेंगे इसमें से ढूंढ के, द चाइल्ड इज किसिंग इट्स मदर। तो हम वही इधर लिखेंगे, द चाइल्ड इज किसिंग इट्स मदर। फिर उसके बाद है, क्या हो रहा है इधर, दो जन हैं जो हाथ मिला रहे हैं, दोनों कौन हैं, बॉय ही दिख रहे हैं। तो ये वाला इधर, द टू बॉयज आर शेकिंग हैंड्स। हाथ मिलाना उसको कहते हैं शेकिंग हैंड्स। द टू बॉयज आर शेकिंग हैंड्स यानी कि दो लड़के हैं वो हाथ मिला रहे हैं। फिर लास्ट पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक गर्ल है और एक ये दरवाज़ा है ना। गर्ल क्या कर रही है, दरवाजे को डोर को ओपन कर रही है। तो उसके रिलेटेड हम इधर से क्या लिखेंगे, द गर्ल इज ओपनिंग द डोर। तो वही हम इधर लिखेंगे, द गर्ल इज ओपनिंग द डोर, पहला लेटर कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप।
तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज जो आप अपनी ग्रामर बुक में अच्छी हैंडराइटिंग से लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।